प्रयास से कुसुम्बा पथ की हुई मरम्मति, एक सप्ताह पूर्व चलने लायक नहीं थी सड़क, अब लोगों को मिली राहत। स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी को देखते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के मुख्य महाप्रबंधक पार्थो मजुमदार को पत्र लिखकर और फोन पर बात करते हुए उक्त समस्या से अवगत कराते हुए जनहित में अति शीघ्र इस पथ की मरम्मति कराने का आग्रह किया था। पत्र में विधायक जायसवाल ने लिखा था कि ग्राम फतह से कुसुम्बा होकर बानादाग रेलवे साइडिंग में कोयला ढुलाई को लेकर सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है। इस सड़क पर लोगों का चलना दुभर हो गया है। विधायक जायसवाल द्वारा जनहित के मांगों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एनटीपीसी द्वारा उक्त पथ का मरम्मति कार्य कराया गया है। सड़क पर से जमे कीचड़ों को हटाते हुए इसके वर्तमान में चलने लायक बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने एनटीपीसी के महाप्रबंधक के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक जायसवाल ने कहा कि यह सड़क वर्तमान में पूर्णतः सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए मरम्मति कार्य कराकर चलने योग्य बनाया गया है। सड़क पर लोगों को धूल गंदगी से परेशानी कम हो, इसलिए समय समय पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कोयला का अत्यंत महत्व है और लोगों के जीवन में बिजली का अहम महत्व है। ऐसे में कोयला उत्खनन और ढुलाई भी आवश्यक है। उत्खनन और ढुलाई के क्रम में प्रभावित इलाके के लोगों के अधिकार और उनके सम्मान का भी ख्याल रखना अति आवश्यक है। खबर 365 न्यूज़ के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क करें।